हरे कृष्णा राधे राधे जी सबको। पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब आप कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए, उनका नाम और विधि क्या है। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है, सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाली नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुन। भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतु नाम का राजा था, उसकी शेव्या नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। वह अपनी शेव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया, पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है, बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र हैं, उनका इस लोक में यश होता है, पर लोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। वह सुकेतु मान ने आत्महत्या का विचार कर लिया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव में अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर, घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है, आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्वे देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है, आज से पांचवें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, ओ शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी ने गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्य आत्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करने में मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। जैसा कि आपने कथा में श्रवण किया कि इस व्रत को करने से राजा को सौभाग्यशाली तेजस्वी और पुण्यात्मक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार जिसके घर में संतान का योग नहीं है, वह यह व्रत करके उसे संतान का सुख मिल सकता है। तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें। इसी के साथ सबको राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।